कनाडा से जनवरी में मसूर का अच्छा निर्यात हुआ, मगर काबुली चने के शिपमेंट में गिरावट आ गई है। सरकारी एजेंसी स्टेट स्कैन के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वर्ष के पहले महीने यानी जनवरी 2024 में कनाडा से कुल 118,892 टन मसूर का निर्यात 2023 के निर्यात से 22% कम रहा है। दरअसल जनवरी 2024 के दौरान कनाडा से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के सबसे ज्यादा 33,126 टन मसूर का निर्यात किया गया, जबकि भारत को 16,093 टन और टर्की को 10,833 टन की निर्यात बिक्री की गई है। कनाडा में हरी मसूर का स्टॉक काफी घट चुका है और लाल मसूर के स्टॉक में भी कमी आ रही है। इसके अलावा कनाडा को मसूर के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में ऑस्ट्रेलिया की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इधर भारत में मसूर की नई फसल की कटाई तैयारी अगले कुछ सप्ताह में जोर पकड़ने की संभावना है और इस बार घरेलू उत्पादन बेहतर होने के आसार हैं। जहां तक काबुली चने का सवाल है तो स्टेट स्कैन के आंकड़ों से पता चलता है कि कनाडा से जनवरी 2024 में इसका निर्यात गिरकर 19,522 टन पर अटक गया, जो दिसंबर 2023 के शिपमेंट 26,283 टन से लगभग 20% कम है। लेकिन चालू मार्केटिंग सीजन में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के दौरान वहां से कुल मिलाकर 101,810 टन काबुली चने का निर्यात हुआ है, जो कि 2022-23 सीजन की तुलना में 15% अधिक रहा है। वहीं जनवरी में टर्की को 7,596 टन तो अमेरिका को 3,183 टन तो मोरक्को को 1,474 टन का निर्यात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।